अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का काम आपका जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि हमने पीछे पढ़े आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उन बॉन्डिंग के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड, बॉन्ड के नतीजे में बनने वाला कंपाउंड जो वो आयनिक कंपाउंड होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करेंगे। कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनिक हैं, टाइटली पैक होते हैं, आयन के मिलने से बनते हैं। ठीक है, इसलिए हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, पोलर हैं, पोलर नेचर के रखते हैं तो पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड देखें तो कोवलेंट बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ये भी ऑलमोस्ट ये आयनिक कंपाउंड से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ईजिली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनका जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब पोलर करेक्टर रखते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड पोलर करेक्टर रखते होंगे उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। उसके बाद जो है इन सोलबल वाटर में सोलबल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन एक्वस सोलवेंट पोलर में डिजोल्व हो जाएंगे। इसी तरह थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वह हार्ड और डेंस होता है, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद पोलर नॉन पोलर की बात करें, पोलिंग स्केल पे देखा गया है, उनकी प्रॉपर्टी देखी गई है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो वो पोलर, द वैल्यू ऑफ आर दो अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटेड, मतलब है इसको रिलेट करके, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, इसको रिलेट करके हम बाकी भी जो कंपाउंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम कर सकते हैं। ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, पोलर की कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड्स के बनने से जो कंपाउंड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा, उनकी प्रॉपर्टी बताई गई है। मेटल्स आ जाती हैं, मेटालिक बॉन्ड से जो बनेगा वो मेटल्स कहलाएंगी, उनकी प्रॉपर्टी है, मेटालिक क्लस्टर रखते हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, मेलेबिलिटी बताई गई है, प्रॉपर्टी ऑफ इशू बाई विच है मेटल कैन बी रोल इन टू शीट। मेलेबिलिटी होती है कि लोहे को या मेटल को शीट में कन्वर्ट करना, और दूसरी डक्टिलिटी है, डक्टाइल मतलब है कि उनको वायर में लंबी लंबी वायर बनाना, उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, कैटायन इजीली बना देते हैं। मेटल्स के पास से प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बन जाती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं इसलिए बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक एडहेसिव के बारे में कुछ बताया गया है। सिंथेसाइज जो खुद हम बनाते हैं एडहेसिव्स, एडहेसिव मतलब चीज़ों को जोड़ने वाले, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक हो गया, उसके बाद ये इपॉक्सी रीजंस हैं कुछ, पॉलीमराइटिस फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट केमिकल, दीज आर रेफर टू एज द रीजन एंड द हार्डनर। रीजन मतलब जोड़ने वाले, हार्डनर मतलब टाइट करने वाले, पैक करने वाले। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं या इपॉक्सी एडहेसिव इनको कहा जाता है, इसके बारे में ये बताया गया। और इसके बाद एक्सरसाइज के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपको सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।